हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजी क्लासेस बाय दिव्या में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट द प्लांट किंगडम सिस्टम के बारे में। तो क्या है प्लांट किंगडम सिस्टम? हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्लांट किंगडम सिस्टम में प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं और उनके विषय में डिस्कशन हम आज करेंगे, ठीक है। उनके टाइप्स और उनके कैरेक्टर्स, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो प्लांट्स किंगडम सिस्टम होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक है नॉन वास्कुलर प्लांट्स और सेकेंड है वास्कुलर प्लांट्स। जो वास्कुलर प्लांट्स है उनको ट्रैक्योफाइटा भी कहा जाता है। और क्या है वास्कुलर प्लांट्स ये भी हम जानेंगे। तो जो वास्कुलर्स अगर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जो वास्कुलर टिश्यूज अगर प्रेजेंट हुआ तो इनको बोलेंगे हम वास्कुलर प्लांट्स। और क्या है वास्कुलर प्लांट्स? वास्कुलर प्लांट्स जाइलम फ्लोएम को कहा जाता है। तो जाइलम जल से जाइलम, जाइलम क्या करता है, जल को फ्लो करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। तो अगर वो प्रेजेंट रहेगा हम बोलेंगे उसको वास्कुलर प्लांट्स, नहीं तो हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स है वो फिर से डिवाइड हो गया है टू टाइप्स में। कौन कौन है? एक है एल्गी और सेकेंड में है ब्रायोफाइट्स। तो जो एल्गीज की एग्जांपल कुछ है, एक है स्पायरोगायरा, सारागासम, पॉलीसिफोनिया। और ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स जो है लीव ओट और मॉस। तो फिर से हम अब आएंगे वास्कुलर प्लांट्स के पास, क्योंकि वो भी टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक है प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब जिनमें सीड्स बीज प्रेजेंट रहते हैं वो एक एक कैटेगोरी में आ गया, और जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स से प्रेजेंट नहीं रहते, बीज प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जो जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं रहता है वो उसके जो टाइप्स है वो है टेरिडोफाइट्स, जिसके एग्जांपल्स है फर्न। और जिनमें क्या रहता है, तो जो फर्न में सीड्स प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, उसकी हमने जान ली अबाउट द प्लांट्स विदाउट सीड्स। अब हम आएंगे हमारे जो प्लांट्स विथ सीड्स, जिनमें सीड्स प्रेजेंट रहता है, बीज प्रेजेंट रहता है, वो फिर से हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक आ गया जिम्नोस्पर्म्स और एक आ गया एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्या है वो। एक सिंपल पहला जो हम जानना चाहेंगे वो है एक्सपोज्ड ओवल्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब उनमें क्या रहता है, ओवल्स जो प्रेजेंट रहता है वो एक्सपोज्ड होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होता है यहाँ पर ओवल्स क्या रहता है, एनक्लोज तरीका के प्रेजेंट रहता है। और उसकी एग्जांपल्स है मैंगोज, हेलेंथस, जिया, ये सब है एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल्स। मतलब उनकी जो सीड्स प्रेजेंट रहते हैं वो एनक्लोज की तरह रहता है, और जिम्नोस्पर्म्स में क्या रहता है, एक्सपोज होता है, जिसकी एग्जांपल्स है पाइनोस, साइकास, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम अच्छे से डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो ये है हमारा जिम्नोस्पर्म्स, जिनमें जो सीड्स प्रेजेंट है वो एक्सपोज तरीका के प्रेजेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एप्पल में जो हमारा सीड्स प्रेजेंट है एनक्लोज की तरह है, ठीक है। तो ये डायग्राम देखने के बाद आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे। तो हम अच्छे से देख लिया है हमारा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ये था हमारा प्लांट किंगडम सिस्टम के बारे में। और एक भी है हमारा जो हायरार्किकल सिस्टम ऑफ द प्लांट किंगडम सिस्टम है, वो फिर से हम देखेंगे उसके डिवीजन। अगर हम ये डिवीजन देखेंगे हम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो प्लांट किंगडम सिस्टम होता है वो फिर से टू टाइप्स डिवाइड होता है। एक हमारा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कुछ जो प्लांट्स रहते हैं उनमें फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहते, उनको कहा जाता है क्रिप्टोगामिया। और जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं उनको कहा जाता है फानेरोगामिया। तो जो फानेरोगामिया और क्रिप्टोगामिया हमने जान लिया अच्छे से कि ये इसका डिवीजन हुआ है। फिर से जो क्रिप्टोगामिया प्रेजेंट है जिनमें फ्लावर्स नहीं रहते वो फिर से थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गए। एक है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल से लिपर ओड्स और टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल से फर्न्स। और हम जाएंगे अब कहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स के, क्योंकि उनकी भी जो डिवीजन हुई है वो है टू टाइप्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। एक है जिम्नोस्पर्म्स, जिसकी कॉर्निफर्स जो है, और जो एंजियोस्पर्म्स है दैट इज द फ्रूट बेयरिंग, मतलब फ्रूट प्रेजेंट रहता है।
और जो एंजियोस्पर्म्स है ना वो भी टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक है हमारा मोनोकॉट्स और सेकेंड में हमारा आता है डाइकॉट्स। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये देख लो, हमारा जो प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट पार्ट था, दैट इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स था, उसके तो थ्री टाइप्स है। फिर से क्या हुआ, जो थैलोफाइटा फिर से डिवाइड हुआ है हमारा फोर टाइप्स में डिवाइडेड हुआ है। वो एक है बैक्टीरिया और एल्गी, फंगी, लाइकेंस, ये है थैलोफाइटा का डिवीजन। ठीक है, अब हम जानेंगे अच्छे से अबाउट द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, क्योंकि बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, लाइकेंस के बारे में तुम कुछ ना कुछ जानते हो, लेकिन मोनोकोट्स डाइकोट्स तो नया है ना, नया नाम है, इसलिए हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो क्या है मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, देख लो अच्छे से। तो जो मोनोकोट, तो बायोलॉजी का जो होता है ना, जो वर्ड्स से हम जान लेते हैं ये क्या है, तो वर्ड्स को देखकर हम ये पता लगाते हैं कि मोनो मतलब वन, सिंगल, सिंगल, कॉट, कॉट से कॉटिलीडन, और डाइकोट मतलब डाई से टू और कॉट से कॉटिलीडन। तो इसका मतलब ये है कि जो मोनोकोट में वन कॉटिलीडन प्रेजेंट रहता है और डाइकोट में क्या रहता है, टू कॉटिलीडन प्रेजेंट रहता है। और जो रूट होता है ना, इसकी फाइब्रस रूट होता है, और इसमें क्या रहता है, डाइकोट में टैप रूट प्रेजेंट रहता है। तो फाइब्रस रूट क्या है, टैप रूट क्या है, इसके बारे में भी मैं अच्छे से डायग्राम दिखा दूंगी। तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो फ्लावर्स प्रेजेंट रहता है मोनोकोट में, हाफ पेटल्स इन मल्टीपल्स ऑफ थ्री, मतलब नाइन है प्रेजेंट रहता है पेटल्स, तो जो पखुड़ा है जो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और डाइकोट में क्या होता है, चार से पांच पेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो लीफ है क्या होता है मोनोकोट में, नैरो पैरेलल रहते हैं वेंस। ठीक है, पैरेलल वेंस रहते हैं, और मतलब क्या होता है, इसके जो वेंस है ना ये पैरेलल की तरह प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारा डाइकोट है इसके क्या होते हैं, ओभल और पालमेट नेट लाइक वेंस, मतलब इसके जो वेंस होते हैं वो नेट लाइक प्रेजेंट रहते हैं। और वास्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो स्कैटर्ड की तरह रहते हैं। और जो हमारा जो डाइकोट में क्या रहता है, रिंग्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स है इसमें क्या रहता है, वन फोर फुरो। तो मोनो मतलब सिंगल, वन ना, तो क्या होता है याद रखना कि इसमें वन वन फोर प्रेजेंट रहता है। और डाइकोट में क्या रहता है, थ्री फोर्स प्रेजेंट रहता है, टू नहीं, हाफ थ्री फोर्स और फोर्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हमने जान लिया अबाउट द मोनोकोट एंड डाइकोट, और हम अच्छे से अब देखेंगे क्या हमने, मैंने बताया था कि टैप रूट के बारे में बताऊंगी और फाइब्रस रूट के बारे में बताऊंगी। तो ये देख लो टैप रूट, जिसमें क्या है, एक मेन रूट प्रेजेंट है। देख लो बहुत सारा और भी रूट्स प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सिंगल जो है ना, ये एक बड़ा सा रूट प्रेजेंट है। और उसमें इसके पास पास छोटे छोटे रूट्स है, लेकिन वो सब छोटे हैं, लेकिन मेन रूट जो है वो एक एक सिंगल है, तो इसलिए इसको टैप रूट कहते हैं। और जो हमारा देख लो, जो फाइब्रस रूट होता है वो क्या होता है, इसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, सिंगल है, बहुत सारा छोटा छोटा रूट्स प्रेजेंट है, लेकिन सब सेम साइज के हैं, कोई इनमें बड़ा नहीं है, जिसको हम मेन रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में एक सिंगल मेन रूट, दैट इज़ ए लार्ज दिखता है, तो इसलिए इसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं, और इसको कहते हैं हम फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये था अबाउट द प्लांट किंगडम सिस्टम के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनिमल किंगडम सिस्टम के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।